हमारे चैनल गीता रसोई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पेरेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये घरेलू टॉपिक है जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। घर में पेरेंट्स, बहुत से घरों में हमने सुना है कि बच्चे घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं और परिवार के साथ में लोग रह रहे होते हैं या अलग भी रह रहे होते हैं तो उनके बच्चे भी नहीं सही होते हैं, मतलब बीमार जैसे रहते हैं और उनके पेरेंट्स भी बीमार जैसे रहते हैं, मतलब उनका अच्छा नहीं होता, ना उनका पैसा उठता है, किसी ना किसी बहाने से वो दवाइयों पर है, कहीं और किसी चीज पर है तो वो पैसा चला जाता है, तो बेचारे महीना पार करना उनको दुर्लभ हो जाता है। अगर बीमारी ठीक सही हो रही है, दिखा करके डॉक्टर को लाए हैं, बीमारी सही हो रही, तो घर की कोई ऐसी चीजें होती, वस्तुएं होती हैं कि वो टूट जाती हैं, कि उनको तुरंत ही संभालना पड़ता है, वो मतलब एक चीज बहाना सा हो जाता है कि कुछ ना कुछ घर में होता ही रहता है, तो इससे लोग सुखी नहीं रह पा रहे हैं, तो वो सुख से रह भी नहीं पा रहे हैं और वो बेचारे समझ भी नहीं पा रहे हैं कि इसका कारण क्या हो सकता है। और लोग खुशी से रह रहे हैं, सुख से रह रहे हैं, लेकिन हम उतना ही कमा करके लाते हैं और घर में हमारा महीना पूरा नहीं होता है, तो कारण क्या है कि हमारे घर में विघ्न बाधा कुछ ना कुछ लगी ही रहती है। पेरेंट्स, क्या होता है कि हमारे घर में नकारात्मक शक्ति आ जाती है, कहीं ना कहीं से चारों तरफ खिड़की दीवारें वो होती हैं, तो कहीं ना कहीं से नकारात्मक शक्ति जो होती है तो वो अंदर हमारे घर में प्रवेश कर जाती है, तो वो नकारात्मक शक्तियां इतना परेशान करती हैं कि वो बहुत ही ज्यादा मजबूर कर देती है इंसान को। तो आपको क्या करना है कि जब आप अपने घर की साफ सफाई करें तो घर में जब आप पोछा लगाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, इसके बाद पोछा लगाते हैं, तो उस पानी में इतनी सी थोड़ा सा पिसा हुआ नमक डाल लें और उसमें सारे घर में आप पोछा लगाएं। ऐसे एक दिन आपको नहीं करना है, ये आपको महीनों रेगुलर करना है। तो इसके करने से, और पूजा पाठ में भी मन नहीं लगता है, तो इसको करने से आपकी जो घर की नकारात्मक शक्ति है तो वो बाहर को भागेगी और घर में आपके सुख और शांति आएगी, धन आएगा, कि जो धन आता है तो वो रुकता नहीं था तो वो रुकेगा, और आप पूजा पाठ भी अच्छी तरीके से करेंगे और अपने बच्चों का ध्यान भी अच्छी तरीके से रखेंगी। शनिवार वाले दिन आपको क्या करना है कि सरसों का तेल दान में आपको देना है, कम से कम नहीं देना है तो थोड़ा बहुत 100 ग्राम से कम नहीं देना है आपको, इतना तो आपको देना ही देना है। इसके बाद पेरेंट्स, जब आप ये करते रहिए और आप जब करने के बाद फिर आप बताइएगा कि आपके घर में कितना धन वैभव और बच्चों की बीमारी से आप दूर रहेंगे और अपने घर के सदस्य हैं उनकी बीमारी और सुख शांति घर में आएगी। तो पेरेंट्स, ये दो जो उपाय हमने आपको बताए ये जरूर से जरूर करें, इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा, आप ट्राई करके देखें। ऐसे ही अच्छे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।